एक्सटेंड सैलरी खुल चुका है और अभी जो है ना वो तैयार है ओवर में जाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं जुबैर फारूक, एक मतलब फिर से आपको चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और जयानो करता हूँ। शादी के बाद की फूड स्ट्रीट से आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही कमाल का फूड सेटअप, बेसिकली फास्ट फूड है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोज को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आइए आपको दिखाते हैं आज पर्ल बेकर्स और उसके साथ पिज़्ज़ा कैफे। तो इन दोनों का संगम क्या है, पिज़्ज़ा कैफे में क्या मिलता है, कौन से फास्ट फूड के आइटम्स हैं और इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, लोकेशन में आपको बता देता हूँ, ये जो है ना वो नहर है, मतलब वहाँ से जो है ना वो बिस्तर चौक से आपने जब नहर आना है पुल की तरफ, वो सामने पुल है। तो आपको यहाँ पर मिलेगी पर्ल बेकर्स, यहाँ पर लाइव किचन है। पर्ल बेकर्स जो है ना वो और पिज़्ज़ा कैफे दोनों बेसिक कोलैबोरेशन है। मेन जो एक आइटम होती है वो है इनके बिस्किट्स जो कस्टमर्स को सर्व किए जाते हैं, माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही हैवी किस्म के जो है ना वो बिस्किट्स रखे हुए हैं इनके पास। ये ना बर्थडे का सामान भी रखा हुआ सारा बच्चों का। यहाँ पर ना मुझे मिली है ब्रेड, उतारना जरा ब्रेड कौन सी है ये चेक करवाएं। ये इनका अपना ही ब्रांड है, बेसिकली पर्ल अपनी ही ब्रेड बनाता है, फ्रेश ब्रेड मिलती है आपको। और इस पर जो है ना वो कौन सी है, सादा सादा ब्रेड है। और ये रही मिल्की ब्रेड बाकी तरह में, ये भी पर्ल की है। बेकरी और वहाँ पर केक ना हो, फ्रेश केक आपको दिए जाते हैं। ये देखें जी, चॉकलेट वाला केक मुझे मिल चुका है, बहुत ही कमाल का यहाँ पर जो है ना वो इन्होंने रखा हुआ है। ये मेरे हैंड में जो है ये है चॉकलेट कूज कप, जो कि बेसिकली इनकी एक फकरिया पेशकश है। ओए 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 ओए, सबसे ज़्यादा हैवी जो मुझे इस शॉप पे जो चीज़ मिली है पर्ल बेकर्स पे, वो ये चीज़ मिली है। और वालद साहब ने मना किया हुआ ये चीज़ घर ही लेके आनी वरना बहुत मार पड़ेगी। और ये देखें जी, ये भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा कैफ़े जो है ना वो आपको एक उम्दा किस्म का फूड तो दे ही रहा है, उसके अलावा आपको अच्छा एम्बियंस भी दे रहा है। तो ये चेक करें, यहाँ पर एक एम्बियंस मौजूद है, यहाँ पर आप बैठ के उम्दा किस्म का फूड इंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है सुभान, जो कि इस वक्त पेस्ट्री लेके जा रहा था। तो मैंने कहा चले इससे पूछते हैं कैसा टेस्ट है पर्ल बेकर्स का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। यार सबसे पहले तो मुझे आप ये बताया कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फाइव में। फाइव में पढ़ता है, इसका मतलब इसका जो है ना वो सेंस ऑफ ह्यूमर और वो सोचने समझने की साइज अच्छी होगी। मुझे ये बताओ कि पर्ल बेकर से आप केक पेस्ट्रियां खा रहे हो, ये पेस्ट्री लेके जा रहे हो, कैसा टेस्ट है इनका? बहुत अच्छा है, मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ। कितना लाइक करते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा लाइक करते हो। इनके बिस्किट्स खाए आप जी? और जो है पिज़्ज़ा कैफे, उसका आपने पिज़्ज़ा भी ट्राई किया जी? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आप खुद ही बहुत अच्छी हो जो इस वजह से हर चीज के बारे में अच्छे बता रहे हो। अच्छा अब आप तो माशाल्लाह बच्चे हो, सबसे पहले मुझे बताओ ये पेस्ट्री अकेले खा लोगे? जी। खा लोगे? यार खाते क्यों नहीं हो, मुझे थोड़ी सी दे दो, चेक कर लो यार। ये जो है ना जज्बा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बेटे, आप इंजॉय करो। थैंक यू सो मच। और ना सच्ची सच्ची बताओ, मजा आता है कि नहीं आता? झूठ तो नहीं बोल रहे? आता है जी। ठीक हो गया यार, ये पर्ल बेकर्स के ऊपर ना पेस्ट्रियां केक शेक आपको ट्राई करने चाहिए, मेरा ख्याल है जबरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली जो है ना इनके साथ ही अटैचमेंट है और ये किचन है। यहाँ पर जो है ना वो स्टार में स्टूप पड़ा हुआ है, ओवन पड़ा हुआ है और यहाँ पर बन रही है बहुत ही कमाल की फ्राइज बहुत ही हैवी किस्म की यहाँ पर रेडी की जा रही है। और ये आम फ्राइज नहीं है, ये स्पेशल फ्राइज है मेरा ख्याल। ये चेक करें आप, यहाँ पर फ्राइज आ चुकी है माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की, जो कि रेडी हो चुकी है और सर्व करने के लिए तैयार है कस्टमर्स को। पहले अपनी जो है ना वो ये सॉस ऐड कर रहे हैं, मलाई सॉस है,
पिज्जा सॉस का जहाँ भी जिक्र होता है आपको पता है वहाँ पे आपको रेड रंग की एक सॉस निकाल के देते हैं, उसको ऐड किया जाता है। बेसिकली इस पे थोड़ा जो है ना वो ऑनियन ऐड किया जाएगा, के अंदर जो है ना वो कैप्सिकम ऐड की जाएगी। चिकन टॉपिंग की जा रही है माशाल्लाह से बहुत ही हैवी किस्म की इनके स्पेशल पिज्ज़ा में। और आप ये चेक करें कि अब जो है ना वो चीज़ का एडिशन किया जा रहा है। चीज़ जो है ना वो पिज्जे किसी भी पिज्जे की दिल की हैसियत रखती है, अगर तो चीज़ ज़्यादा है आपको पिज़्ज़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा टेस्टी लगेगा। और आप ये चेक करें इसमें उस्ताद मोहतरम जो है ना वो विदाउट एनी काउंटिंग विदाउट एनी जो है ना वो हैसिएशन ये जो है ना वो चीज़ का एडिशन कर रहे हैं। अच्छा जी अब जो है ना वो एडिशन किया जा रहा है मशरूम्स का। मशरूम्स का पता या तो डॉलर जो तो पढ़ते हैं बायो पढ़ते हैं उनको पता होगा या फिर उनको पता होगा जो हकीम है, क्योंकि ये बादशाहों की खुराक है। स्वीट कॉर्न ऐड की जा रही है माशाल्लाह। ओए 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 यहाँ पर जो है ना वो हैवी किस्म की जो है ना लास्ट में ऑलिव्स लगाए जा रहे हैं ब्लैक ऑलिव्स, इसके बाद पिज्जे की तस्वीर टोटली चेंज हो जाती है। अब जो है ना वो पिज्जे को उसकी डिजायर्ड प्लेस पे पहुंचाया जा रहा है प्री हीट ओवन में बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर टाइमर सेट कर दी गई है। ये जी सिंगर का फ्ले है माशाल्लाह काफी हैवी फ्ले है, इसको अभी जो है ना वो फ्राई करने जा रहे हैं। ओह माय गॉडनेस बबल्स चेक करें वाओ। ये हमारे जो है ना वो प्यारे शेफ भाई इस वक्त स्पेशल पिज्जा मेरे लिए लगा रहे हैं। पिज्जा मेरे वाला जो कि बहुत स्पेशल है और रेडी होने के लिए जा रहा है। जिंगर लगाने के लिए यहाँ पर जो है ना वो मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल की जा रही है, ये कुछ स्पेशल किस्म की रेसिपी लग रही है मुझे। और इसके ऊपर जो है ना ऐड की जा रही है थोड़ी सी लेटस। हाय 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 जिंगर का फ्ले बीच में ऐड कर दिया और ये जिंगर रेडी हो चुका है। अल्लाह वाला जो लार्ज पिज्जा लगाया था स्पेशल पिज्जा ये जो रेडी हो चुका है। अब इसको जो है ना वो सर्व किया जाएगा कस्टमर्स को दिया जाएगा, थोड़ा सा ग्रीसी किया जाएगा ऑयली किया जाएगा ताकि जो है ना वो इसके किनारे नरम हो जाए। हाय 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 लास्ट में जो है ना वो पिज्जे की कटाई का एक प्रोसेस होता है वो बड़ा ही जो है ना वो नाजुक बर्रा होता है, क्योंकि उसमें जो है ना वो पिज्जे के पीस बड़े छोटे हो सकते हैं, वहाँ पर आपका जो है एक्सपीरियंस काम आता है। तो ये चेक करें जी आपके पीसीस को यहाँ पर कट कर दिया गया। लास्ट में इसके ऊपर सॉस का एडिशन किया जाता है और ये वो जगह है जहाँ पे हर बंदे की जान निकलती है पिज्जे को देख के माशाल्लाह। अच्छा ये प्यारे भाईजान जो है ना वो यहाँ पर आया है अपना पिज्जा इनका जो है वो हमने लाज दिखाया वो इनका है, तो अभी जो है वो भाईजान पैक करवा के ले जा रहे हैं। क्या बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है ना वो बारिश भाई मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ जो है ना मौजूद है हमारे प्यारे एहसान भाई। एहसान भाई जो है ना यहाँ पर शेफ है, ये फोर मास्टर है यहाँ पे। और ये रहा इनका मेन्यू, आप ये चेक करें मेन्यू जो है मौजूद है जिसमें आपको जो है ना वो कैफे ऑस्ट्रो पिज्ज़ा ये भी आपको मिलने वाला है वाह। और इसमें ये पिज्जे की किस्में आप चेक कर लें सारी हैं, बड़े लाल छोटे बड़े सारे पिज्जे हैं, फ्राइज नगेट्स हैं शवारमा जहाँ तक हर चीज़ आपको मिलेगी। बारिश भाई ने जो है ना वो पिज़्ज़ा सर्व कर दिया है, आप ये चेक करें पिज़्ज़ा जो है ना वो एज यूजुअल यहाँ पर बहुत ही कमाल का है माशाल्लाह से। और ये चेक करें जी सर्विंग कितनी अच्छी है, ये जो है वो पिज़्ज़े की हमारी जो है ना वो बाइट है, अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यार अखबीर टेस्ट है, मतलब इतना यमी है, थोड़ा स्पाइसी है, कोई चीज़ टच करवा रही है पिज्जे की। कहते हैं ना मैं तो हुंडा ही लैसा, मैं तो पर बेकर का पिज़्ज़ा ही खा सा माशाल्लाह जी, ये बहुत ही कमाल का पिज़्ज़ा है इनका। और हैवी रिकमेंडेशन है आपको जब यहाँ पर आए और इसको ट्राई करें। ये देखें ये चेक करें एयर जैंदर ना चिकन और साथ में जो है ना वो स्पेशल सॉसेस। मैं इसको रेटिंग कर देता हूँ, मैं इसको 10 में से 9 नंबर देने वाला हूँ, तो इसकी रेटिंग अलहमदिल्ला अच्छी है। चिकन इसका और इसके अंदर जो चीज़ का कॉम्बो है ना वो शादी का बाद कैरेटिवली बहुत सारी जगहों से अच्छा है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू कैफे स्पेशल मैक्सिकन सैंडविच। ये क्या चीज़ होती है, ये क्या जो है ना वो आपके लिए एक नई डिश लेके आया हूँ। मैक्सिकन सैंडविच जिसे कहा जाता है उसके लिए सबसे पहले ये ब्रेड है, इसको ये काट रहे हैं, ये शवारमा वाली ब्रेड तो नहीं है, ये इन्होंने खुद स्पेशल रेडी की हुई है। और इसका जो है वो मैं आपको साइज़ थोड़ा दिखा देता हूँ मोटाई में, आप ये चेक करें कि नान से भी थोड़ी जो है ना वो मतलब मोटी है
और ये स्पेशल है। तो इसमें सौंफ का पानी, दूध, अदरक और पता नहीं क्या क्या डलता है, जो कि आपको सिर्फ पिज्जा कैफे से मिलने वाली है पर बेकर्स के साथ। व्हाइट कलर की जो आपकी ब्रेड है और उसपे व्हाइट चीज का एडिशन किया जा रहा है माशाल्लाह से। और ये जो है ना वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हो रहा है कि आप यूं समझ लें कि शवारमा ब्रेड के ऊपर आप चीज डाल के खा रहे हो, लेकिन ये शवारमा ब्रेड नहीं है, इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग है। मैंने शादी के बाद में अभी तक किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी फास्ट फूड पे जगह पे ये चीज़ ट्राई नहीं की। दोनों साइडों पे जो है ना वो ऐड की जा रही है। अब इसकी जो है ना वो अंदर चीज़ का एडिशन आप चेक करने के पिज्जे से ज़्यादा जो है ना चीज़ इसमें लग रही होती है। अब जो है ना वो हर बंदा शादी के बाद में क्या पाकिस्तान में, क्या पंजाब में, क्या दुनिया भर में ऐड किया जाता है वो चिकन है। चिकन को ऐड किया जा रहा है माशाल्लाह से, ताकि जो है ना वो ये एक सैंडविच आपका रेडी हो, लेकिन इस सैंडविच में चीज़ होगी और इसकी ब्रेड वाकई में यार यूनिक है। और ये चेक करें भर के चिकन उन्होंने डाला है, जितना पिज्जे में ऐड हो रहा होता है तकरीबन 19-20 का फर्क है। थोड़ी सी चीज़ वंस अगेन ऐड की जाएगी, क्योंकि जो है ना ये स्पेशल आपको मिलने वाली है पिज़्ज़ा कैफे से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह की प्रोडक्ट मैंने अभी नहीं खाई। और दैट्स लुकिंग अमेजिंग, इजंट इट, मैक्सिकन सैंडविच खुल चुका है और अभी जो है ना वो तैयार है ओवन में जाने के लिए। तो इसको अभी ओवन में रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गया जी ओवन में। ये हमारा जो है ना वो मैक्सिकन बेसिकली जो है ना वो सैंडविच, उसकी फर्स्ट लेयर्स रेडी हो गई हैं। ये चीज़ ब्राउन हो चुकी है और ये चिकन ब्राउन हो चुका है। मेरा ख्याल है कि अब जो है ना इसके साथ खेलने का वक्त हुआ जाता है। कैफे स्पेशल सॉस को बीच में ऐड कर दिया गया है, जो कि इसकी शान आन को बढ़ाने वाली है। और सेम हेयर ये चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत ही हैवी। अच्छा ये पिज्जे की लुक ही दे रहा है, लेकिन इसकी टो डिफरेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ये देखे जी, हाय 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 हाय, खूबसूरती है भाई ने ना चार चांद लगा दिए हैं। और ये बाकी रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिलने वाली, लेटेस्ट कंडीशन किया जा रहा है ताकि जो है ना वो सैंडविच ही रहे आपका। और माशाल्लाह से ये चेक करें आप, लास्ट में केचप का एडिशन किया जाता है, लेयर्स में सॉसेज डाल रहे हैं। ये जी आपका सैंडविच माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, जो कि मैक्सिकन है या पाकिस्तानी है, लेकिन देखने में बहुत प्यारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चेक करें जी हमारा सैंडविच रेडी हो के कट दिया। ओए 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 ओए, अब जो है ना इसके चार पीसेस होंगे। ये आपका सैंडविच रेडी हो चुका है और ओए 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 ओए, ये चेक करें क्या कमाल की ब्रेड है। मेरे साथ मौजूद हैं वारिस भाई, जो कि काफी देर से मैं देख रहा था, कभी पिज्जे पे कभी बर्गर पे, और अभी उन्होंने मैक्सिकन सैंडविच लगा के काम फाइनल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार सारा कुछ छोड़े आप ना, वारिस भाई मुझे ये बताएं कि ये जो है ना मैक्सिकन सैंडविच वाली रेसिपी ये कहाँ से ली आप? ये सर मैंने सीखी थी खुद, कुछ मेरे उस्ताद मोहतरम ने सिखाई थी और कुछ मैंने प्रोफेशनल शेफ का कोर्स किया था गौतम से, कुछ वहाँ से सीखा, फिर मैंने तकनीक यूज की जिसकी वजह से ये मैंने तैयार की। माशाल्लाह यार आपकी देखने में ना ऐसे लग रहा है जैसे वो पिज्जे की एक किस्म है, लाइक पिज्जे का आप पिज्जा मास्टर हैं। आपके पिज्जे भी माशाल्लाह जो बना रहे थे बहुत अच्छे थे, लेकिन आपका इसके अलावा और क्या क्या बना लेते हैं अपने कारीगर हाथों से, मुझे बताया ना हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो है वो लोग पर देखकर सादिकाबाद में जो पुल के पास मौजूद है, यहाँ पर आपका पिज्जा कैफे है, लोग यहाँ पर आके आपके फूड को एंजॉय कर सके, बताए क्या क्या बना रहे थे? फास्ट फूड के जितने भी आइटम्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसके सारे तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन भी हम खुद करते हैं, ठीक है, कोई मतलब बाजारी चिकन नहीं होता, खुद से तैयार चिकन किया होता है, मैरिनेशन करके हम खुद से बनाते हैं ताकि आवाम टेस्ट करे और खुद खाए भी और ट्रीफ भी करे। थैंक यू सो मच वारिस भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। सर अल्लाह हाफिज़। फूड को एंजॉय करना हो, फास्ट फूड को एंजॉय करना हो, आप यहाँ पर आए कि फूड को एंजॉय करें, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। आप जो ना मुझे सीरियसली होना था, इसके स्पोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे किसी ना किसी के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।